की दरारों में जहां महकती किसानी, आज तुम्हें सुनाएंगे उस किसान की कहानी। जय हिंद किसान भाइयों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल किसान जंक्शन पर। किसान भाइयों, आज हम आए हुए हैं त्रावड़ी करनाल हरियाणा में। किसान भाइयों, आज हमारा देश भारतवर्ष एक बहुत बड़ी परेशानी से जूझ रहा है। अभी आए हुए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार हमारे देश के अंदर पशुधन की संख्या 3 गुना कम हो चुकी है और दुग्ध उत्पादन 6 गुना बढ़ चुका है। वेल, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं, जैसे कि मैं आपको बताने जाऊँगा कि हमारे देश के अंदर सन 1970 के अंदर श्वेत क्रांति आई थी। डॉक्टर कुरियन ने इसकी 1970 में शुरुआत की, जिसका श्रेय उन्हें जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा उनकी बदौलत हमारे देश के अंदर जो दुग्ध था, जो दूध था, उसका उत्पादन इतना बढ़ गया कि हमारा देश पूरे विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया। लेकिन हुआ क्या, उसी दौड़ के अंदर हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। हमसे गलती क्या हुई कि हमने अपना लिया अपने देश की धरोहर देसी गायों को छोड़कर विदेशी नस्ल की गायों को, जिसे हम HF, KF, अमेरिकन कुछ इन नामों से जानते हैं। जब इसी दौड़ के अंदर जहां पर एक तरफ हम अपने देश की धरोहर को पीछे छोड़ते जा रहे थे, वहां पर उस किसान ने इसे थामे रखा और आज पूरे भारतवर्ष के अंदर एक नाम कमाया, दर्जनों अवार्ड ले चुके हैं। अगर कहीं पर देसी गाय फार्म की बात आती है तो बहुत बड़े स्तर पर अगर मैं आपको बताऊंगा कि उनका नाम लिया जाता है। तो किसान भाइयों, बिना ज्यादा देर किए चलिए हम आपको सीधा लेकर चलते हैं हमारे किसान भाई के पास, श्री नरेश चौधरी, गाँव त्रावड़ी, जिला करनाल, हरियाणा। आइए। नमस्कार चौधरी साहब। नमस्कार जी। तो चौधरी साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि आपने अपने पेशे के तौर पर, किसानी के पेशे के तौर पर डेयरी फार्मिंग को ही क्यों चुना? और डेयरी फार्मिंग में जहाँ पर बहुत सारे आपके पास ऑप्शन थे, आप भैंस पालन कर सकते थे या अंग्रेजी नस्ल की गायें HF, KF उनका पालन कर सकते थे, उन सबको छोड़कर आपने साहीवाल गाय को चुना, देसी गाय को चुना, और देसी गाय में भी साहीवाल को ही क्यों चुना? प्लीज, मैं चाहूँगा आप हमारे किसान भाइयों को इसके बारे में ज़रूर बताएं। हमें पिछले 30 सालों में गाय के सभी नस्लों को पाल कर देखा है, उनके बारे में, सबके बच्चों को ब्रीडिंग के बारे में, NDRI से ट्रेनिंग लेने के बाद हमने भैंसें भी रखी हैं। लेकिन जो ड्राई पीरियड भैंसों का गर्मियों में आता था, वो गर्मियों में हमें दूध की ज़्यादा ज़रूरत होती थी, तो हमने भैंसें रखनी बंद कर दी। दूसरा, HF को भी रखा, क्रॉस ब्रीड को भी रखा, उसमें बीमारियां इतनी हो गई कि हमें खर्चा दवाइयों का इतना बढ़ गया था। दूसरा, उसकी जो A1 मिल्क है, अब जागरूकता किसानों में भी और हमारे सारे समाज में आ गई है, उस दूध के बारे में लोगों को पता लग गया कि उसको पीने से बीमारियां पैदा होती हैं और उसको रखना भी गाय को मुश्किल है और किसान को चारे का खर्चा, वो इतना ज़्यादा चारा खाती है, उसका मिनरल मिक्सचर, विटामिन प्लस उसकी जितनी वैक्सीनेशन, हमें बहुत ज़्यादा बर्डन था, बोझ था। तो हमने फिर देसी गायों में साहीवाल को इसलिए चुना क्योंकि ये हमारी लोकल हरियाणा पंजाब की नस्ल है जी। और इस गाय के अंदर सब गुण हैं, ये हर साल बच्चा देती है जी। इसके अंदर जो इसका दूध है वो 15 बार बच्चा देने के बाद भी बराबर रहता है और ये 20-25 साल इसकी उम्र है जी। जो दूसरी गायें थी हमारी HF क्रॉस ब्रीड जिसको बोलते हैं जी, वो 3-4 बच्चा देने के बाद बूढ़ी हो जाती है जी। और बूढ़ी गायें को हम कहाँ छोड़ें, फिर उसको गौशालाओं में कहीं भी हम बेच नहीं पाते थे जी। जो हमारा समाज ऐसा है कि हमें ऐसी गायें चाहिए जो लंबे दिन तक दूध दे और हर साल बच्चा दे जी। और किसान उसको तभी अपने पास रखेगा। और जब ये गायें साहीवाल सबसे अच्छी है और इसका यही गुण इसको सबसे, हमारे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये सर्दी गर्मी बराबर दूध देती जी। कोई मौसम हो, कोई इसके साथ हम ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता, ज़्यादा वातावरण समस्याएं जो हैं, बड़ा शेड भी इसको नहीं चाहिए जी। इस गाय को हम पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं, अपने कोई छोटा किसान अगर थोड़े पैसे में अपना शेड बनाए वो भी रख सकता है जी। और ज़्यादा मशीनरी को भी इसमें अडोप्ट नहीं हमें रखना पड़ता कि बड़ी बड़ी ठंडा करने की, कूलिंग का, फैन वगैरह जो सिस्टम है वो इसको ज़रूरी नहीं है जी। तो किसान भाइयों, इससे पहले मैं आपको सर का फार्म विजिट कराऊं, मैं चाहता हूं मैं सर से कुछ और ऐसे जो बहुत ही ज़रूरी सवाल हैं जिसके बारे में मैं ऐसे सर से आपको जानकारी दिलवा दूं, उसके बाद हम सर के फार्म में चलते हैं। तो सर, मैं एक और बात आपसे जानना चाहूँगा कि आप इसके बारे में बताएँ कि जो साहीवाल ब्रीड की गायें हैं जो आपने रखी हुई हैं, आप ये बताएँ इसकी जो बछिया है कितने समय में तैयार होती है, या फिर इसके ऊपर खर्चा कितना आता है, इसका दूध कितना जाता है, क्या रेट में जाता है,
आता है इसका दूध, इन सब चीज़ों के बारे में मैं चाहूँगा एक बार आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि क्या कोई छोटे बजट का किसान भी इस गाय को रख सकता है और उससे अच्छी आमदनी ले सकता है। प्लीज़ मैं चाहूँगा एक बार हमारे किसान भाइयों को इसके बारे में ज़रूर बताएँ। साहीवाल नस्ल की जो बछिया है ये हमारे पास 1.5 और 2 साल के बीच में गर्भवती हो जाती है और 2.5 साल की अमूमन ये बच्चा दे देती है और प्रतिदिन इसका चारे हरा चारा कम से कम 5-10 किलो खाने के लिए और 3 किलो हम इसको जो दाणा खली चोकर वगैरह मिक्स करके देते हैं वो इसका 3 किलो भूसे का खर्चा है। और ये गायें जो है गर्मी सर्दी जो हमारे मौसमी हरे चारे हैं बरसीम जई उन्हीं को खा के इसको कोई ज़्यादा अलग से साइलेज वगैरह की ज़्यादा जरूरत नहीं है। और इस गाय के साथ जो हम पर डे का खर्चा लगाएं इसका दूध की 50 रुपये मिनिमम इसका दूध अब लोग पीने के लिए मांगने लग गए हैं और काफ़ी शहरों में तो 100 रुपये से भी ऊपर बिक रहा है। इसका घी का भी बड़ा अच्छा कीमत किसानों को मिलने वाली है जो इसका देसी घी है वो कई बीमारियों में हमें लोग मांगने लग गए हैं जो बहुत किसानों का आय का प्रमुख साधन बने। तो आगे बढ़ने से पहले एक और छोटा सा सवाल सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप हमारे किसान भाइयों को ये जरूर बताएं कि जो इसका दूध है वो आप किस रेट में बेचते हैं और इसका घी है या इसके जो भी बायो प्रोडक्ट हैं वो किस कीमत में बिक्री होती है बाजार में, आप उसके बारे में किसान भाइयों को जरूर बताएं। हम इसका जो दूध है वो 50 रुपये तो इकट्ठा होलसेल का रेट है और 60 रुपये परचून का रेट में बेच देते हैं सर। गर्मी सर्दी इसका एक ही रेट है क्योंकि इसकी डिमांड ही पूरी नहीं हो रही है, जितना हम दूध पैदा करते हैं वो सारा ही बिक जाता है। और घी हम 1000 से 1100 रुपये के बीच प्रति किलो अब इसको बेच रहे हैं और हमें पूरे जो हमारा जो सारा साल का पहले बुकिंग एडवांस में रहता है। बहुत बढ़िया। तो किसान भाइयों जैसा आप देख पा रहे हैं सर को श्री राम सिंह सुपुत्र श्री तेलुराम करनाल जिन्हें ब्रीड चैंपियन साहीवाल ब्रीड का एक अवार्ड मिला है 2,50,000 रुपये का सबसे टॉप का अवार्ड मिला है। तो मैं इससे पहले आपको वीडियो आगे बढ़ाऊं मैं चाहूँगा सर एक बार आप इसके बारे में बताएं कि आपकी किस गाय ने किस तरह से इस अवार्ड को लिया था और उसके बारे में आपको जो ये राशि मिली ये कहाँ पर मिली थी और ये कब कब की बात है। ये हमारी एक बहुत अच्छी गायें हैं जो अपने दूध में भी अच्छी है और वो ब्यूटी में भी और अपनी नस्ल में बहुत अच्छी है जी। उसने ये जज्जर में जो हमारी चैंपियनशिप हुई थी हरियाणा सरकार जो हर साल कराती है तो अब की बार जज्जर में हुई थी उसने यहाँ वो ब्रीड चैंपियन भी बनी और नीचे भी अपनी कैटेगरी में फर्स्ट आई तो उसको ये इनाम प्राप्त तो हमारे फार्म पर वो गाय हैं जी। बहुत बढ़िया सर ने बताया, इससे आइए किसान भाइयों हम आगे चलते हैं। किसान भाइयों जैसा आप देख पा रहे हैं सर का फार्म है, मैं चाहूंगा एक बार पूरा कैमरा घुमाकर पूरी वीडियो दिखाएं एक बार आप प्लीज। ये देखिए जैसा अभी मिल्किंग का टाइम है आपको अभी मिल्किंग होते हुए भी दिखाएंगे, गाय कितना दूध देती है, इनके पास सबसे बढ़िया गाय कौन सी है वो भी आपको दिखाएंगे। हमने जो है NDRI से ट्रेनिंग लेने के बाद NDRI के अच्छे अच्छे जो सांड थे साहीवाल नस्ल के उनका सीमन यूज किया और अपना जो सांड था हमने भी अपनी अच्छी गाय का जो बछड़ा उसको सांड बनाया, जो 18-20 लीटर की हमारी गायें हैं उनके बछड़ियाँ भी अब हम उनको अलग से सेवा करते हैं ताकि वो जल्दी गायें बनती हैं। इसके लिए माँ का सांड की माँ का रिकॉर्ड देखते हैं जो कम से कम 4000 लीटर उसका एक ब्यांत का 305 दिन का होता है। हमारे राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान करनाल और हरियाणा सरकार के पास भी अब अच्छा सीमन जो सांड का वीर्य इसकी अच्छी रिकॉर्डेड है वो आ चुका है और अब तो ऐसे सांड भी आ चुके हैं जिनकी बछड़ियाँ ही पैदा होंगी, हमारी हरियाणा सरकार दे रही है तो उसको भी हम प्रयोग कर रहे हैं। बल्कि हम तो पिछले कई सालों से ये मांग कर रहे थे जिससे किसानों का बहुत भला होगा क्योंकि बछड़ों की इतनी ज़्यादा हमारे समाज में अब ट्रैक्टर से आने से जरूरत नहीं रही है, बछड़ियाँ ही चाहिए हमें सब किसानों को, तो वो वीर्य यूज करने से सीमन लगाने से जल्दी हमारा साहीवाल का अब तरक्की हो रही है जी। बहुत बढ़िया सर, जैसा हम देख पा रहे हैं सर आपके फार्म पे आपने ऊपर ये जाली का मच्छरदानी का जो इस्तेमाल किया हुआ है, आपका पूरा फार्म हम आपको दिखाते हैं कवर किया हुआ है जाली के साथ, इसका क्या कारण है सर इसके बारे में बताएं। ये जो देसी गायें हैं साहीवाल ये पानी और मक्खी मच्छर के प्रति बड़ी संवेदनशील है, ये सूखे में वातावरण में रहना चाहती है और नीचे इसके जो इस एरिए से साहीवाल जिला है हमारा पड़ता है वहाँ बालू रेत मिट्टी ऐसी है कि वहाँ पानी इकट्ठा ही नहीं होता, हमारा जो पानी का एरिया है तो हम इसको मच्छरों से बचाने के लिए गायें को दिन में पक्के पे रखते हैं और रात को मच्छरदानी लगा के इसको मच्छरों से बचाते हैं जी।
बहुत बढ़िया सर ने हमें बताया। आइए हम आपको लेकर चलते हैं, मिल्किंग होते हुए दिखाते हैं कि गाय की मिल्किंग कैपेसिटी कितनी है और सर उसकी मिल्किंग कैसे करवाते हैं। आइए, जैसा आप देख पा रहे हैं किसान भाइयों, यहाँ पर जो है जो गाय की एक मिल्किंग कर रहे हैं अभी, तो सर ये बताएं आप किसान भाइयों को कि आपके पास सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय कौन सी है, और आप ये भी बताएं किसान भाइयों को इसके साथ साथ नॉर्मली ये साहीवाल गाय कितना दूध दे देती है, कितने टाइम पीरियड तक दूध देती है, प्लीज़ इसके बारे में किसान भाइयों को ज़रूर बताएँ। इस गाय ने हमारे पास सबसे ज़्यादा 22 लीटर दूध दिया है जी। और जो एवरेज है हमारे पास 14-15 लीटर ही गाय की दूध की इकट्ठा होकर पड़ती है जी। जबकि इसका ड्राई पीरियड कम होने के कारण 2 महीने ही 10 लीटर तो तब भी देती रहती हैं साहीवाल गायें, और एवरेज हमें 3500 लीटर दूध इनका एक साल में एक गाय का पड़ता है जी। बहुत बढ़िया सर ने बताया कि जहाँ पर नॉर्मल दूसरी गायें हैं अगर उसकी बात करें, वो दूध देने से काफ़ी समय बीच में जो है गैप डाल देती हैं, ये गायें पूरे साल में सिर्फ और सिर्फ 2 महीने ही जो है मिल्किंग के अंदर गैप डालते हैं। सर एक और बात जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे किसान भाई पूरे भारतवर्ष से हमारा वीडियो देखते हैं, कि अगर कोई किसान भाई प्योर ब्रीड की साहीवाल गायें लेना चाहता है, या ऐसा ही आपकी तरह बहुत सुंदर आपने डेयरी फार्म बनाया है, ऐसा ही साहीवाल गायें डेयरी फार्म बनाना चाहता है, तो क्या उनकी मदद कर सकते हैं? प्लीज उनके बारे में जरूर बताएं कि कोई किसान आपसे गाइडलाइन चाहता है तो वो कैसे आपसे संपर्क कर सकता है। बिल्कुल, हम 24 घंटे किसानों की मदद के लिए तैयार हैं। कोई भी किसान भाई, बेरोजगार युवक, अगर कोई भी हमारे से जो भी जानकारी हम ब्रीडिंग के बारे में, गाय के खिलाने पिलाने के बारे में लेने आता है, हम उसको पूरी तरह से तैयार रहते हैं। और जो कोई हमारे से गाय मांगता है, बछड़े, सांड, हम उसको भी पूरी तरह से सेवा के लिए तैयार रहते हैं जी। बहुत बढ़िया सर ने हमें बताया कि कैसे आप पूरे भारतवर्ष से कोई भी किसान भाई अगर साहीवाल गायें की बच्चियां या साहीवाल गायें खरीदना चाहता है तो सर के फार्म पर आकर आप विजिट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ हमारी ऐप किसान जंक्शन के साथ जरूर जुड़ें, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, या फिर हमारी वेबसाइट www.kisanjunction.in पर आप आकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा सीधा मकसद है कि हम पूरे भारतवर्ष के किसानों को संगठित करें। हमारे द्वारा पैदा किया गया कोई भी उत्पाद, चाहे वो दूध है चाहे वो अनाज है, हम डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचा सकें। हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।